नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कश्मीर के सोपोर में आज आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले की एक हृदय विदारक तस्वीर सामने आई है। आतंकी हमले में एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हो गई, जिसके साथ उसका नाती भी था। 3 साल का ये मासूम अपने नाना के शव के ऊपर बैठकर बिलख रहा था। जवानों ने जान पर खेलकर इस मासूम को किसी तरह से बचाया। इस मासूम की ये सुबकियां सुनकर धरती का कलेजा भी फट गया होगा, आसमान का सीना भी छलनी हो गया होगा। ये मासूम अगर ठीक से बोल पाता तो पूछता कि बताओ मेरा कसूर क्या है, क्यों मेरे बचपन में अंगारे भर दिए गए। 3 साल के इस मासूम को नहीं मालूम कि आतंकवाद क्या है, आतंकवादी कौन होते हैं, कैसे होते हैं। इसे नहीं मालूम कि जिहाद क्या होता है। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि जिहाद के नाम पर वहशियाना खून खराबी की कहां से इजाजत मिलती है। इस नन्ही सी जान की तरफ एक बार देख लो दहशतगर्दों। मासूम की ये सिसकियां तुम्हारी बेजा ख्वाहिशों का सिला है। हम लेके इस बच्चे को कौन से खिलौने से बहलाएंगे, कौन से चॉकलेट या कैंडी से इसके आंसू थमेंगे। आपको हम लेके जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ना, हम लेके देखो आपके इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जा रहे हैं। सोपोर में सीआरपीएफ कैंप पर कायराना आतंकी हमले में ये मासूम सोहेल तो बच गया, लेकिन इसकी दुनिया वीरान हो गई। इस आतंकी हमले में इस मासूम के नाना बशीर अहमद की मौत हो गई। 3 साल के सोहेल ने अपने नाना से जिद की थी कि वो उसके साथ श्रीनगर से सोपोर जाएगा। आज सुबह 6 बजे दोनों एक गाड़ी में सोपोर की तरफ बढ़े, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी सोपोर पहुंचते पहुंचते उसी जगह पर अंधाधुंध फायरिंग हुई जहां पर वो खड़े थे। बाद में कई मिनटों तक सुहेल अपने नाना के शव पर तब तक रहा जब तक पुलिस ने उसे वहां से नहीं हटाया। अभी भी सुहेल को पता नहीं है कि उसके नाना को क्या हुआ है, लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि सुहेल तब से अब तक कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सोपोर के बशीर अहमद सुबह सुबह दूध खरीदने घर से बाहर निकले थे, लेकिन सोहेल भी उनके साथ जाने की जिद ठान कर बैठा था। बच्चे की जिद के आगे नाना भी लाचार हो गए, बच्चे को अपने साथ लेकर घर से बाहर निकले। इसी दौरान आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला कर दिया। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत में बशीर अहमद गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर गए। ये मासूम अपने नाना के शव के पास बैठा बिलख रहा था। इस दौरान सीआरपीएफ जवानों की नजर उस पर पड़ी। जवानों ने जान पर खेलकर मासूम सोहेल को बचा लिया। सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है। अपने बड़बब यानी नाना की मौत पर मासूम सोहेल चीख पड़ा था। जवानों ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। एक जवान ने उसे गोद में उठा लिया। ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहाँ से उठाया जाए, तो हमने अपनी गाड़ियाँ सारी लगा के, जो बीपी गाड़ियाँ हमारे पास थी उस वक्त सीआरपीएफ की थी, पुलिस की सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था, तो इस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। और हमने, हमारा काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहाँ से उठा के हमने इसको लिया। हम लेके जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आपके इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट सीआरपीएफ का जवान सोहेल को समझा रहा है कि वो उसे लेकर जा रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं कि वो इधर उधर न देखे, सीधा देखे। जवानों ने उसे बिस्किट, चॉकलेट और कैंडी भी दिए, लेकिन मासूम सोहेल को तो बस अपने नाना की गोद चाहिए थी, जो आतंक के दरिंदों ने उससे छीन लिया था। आपको
हम लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं ना हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो, वो देखो, आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जा रहे इस मासूम को। तो ये भी नहीं मालूम कि उसके नाना उस दुनिया में चले गए हैं जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता। बहरहाल जवानों ने बच्चे को उसकी मां के पास पहुंचा दिया जहां बशीर अहमद की मौत का मातम पसरा था। सोहेल की ये तस्वीरें तो महज नजीर हैं। कश्मीर में आतंकवाद की आग में न जाने कितने बदकिस्मत मासूमों का बचपन जलकर खाक हो गया है। पाकिस्तान की शह पर आतंक फैलाने वाले इस भ्रम में हैं कि पाकिस्तान उनका मददगार है। आज भारतीय सेना ने, हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने एक मासूम कश्मीर के बच्चे को, एक मासूम कश्मीरी बच्चे को बचाया है। आपको दिल खोलकर भारतीय सेना की जय जयकार करनी चाहिए। कश्मीर के अंदर अगर भारतीय सेना ना हो तो पाकिस्तान के आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बना दे। अगर भारतीय सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपी, बीएसएफ, हमारी पुलिस जम्मू कश्मीर की अगर कश्मीर घाटी में ना हो तो पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान कर दे। यकीन नहीं होता तो आतंकी आंखें खोल कर देख लें कि उन्होंने क्या किया है। एक नौनिहाल से उसका बचपन छीन लिया है, एक मासूम से उसकी जिंदगी छीन ली है, इस प्यारे से बच्चे के चेहरे से मुस्कान छीन ली है और उसकी जगह जिंदगी में भर दिए हैं बेहिसाब आंसू और अंतहीन सिसकियां। अशरफ वानी, सोपोर, आज तक। दरअसल घाटी में सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है उससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। आज जहां सोपोर में आतंकवादियों ने हमला किया, वहीं त्राल में आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। उधर सुरक्षा बलों ने कश्मीर में सक्रिय जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप 12 आतंकियों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। सुबह 7:30 बजे का वक्त था। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से कश्मीर के सोपोर में हलचल मच गई। सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला बोला था। फौरन हमारे जवानों ने मोर्चा संभाला, दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी। बुधवार सुबह सीआरपीएफ के एक काफिले पर आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 नागरिक की मौत हुई है। ये घटना उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके में हुई, जहां पर पेट्रोलिंग पर तैनात सीआरपीएफ के एक काफिले पर, जो कि 179 बटालियन का था, उस पर जो है घात लगाकर हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान मारे गए, 2 घायल हैं और 1 नागरिक की भी मौत हो गई है। आतंकियों ने हमला तब किया जब सीआरपीएफ की टीम रिबेन बाजार इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। सीआरपीएफ जवान इलाके की नाकाबंदी कर रहे थे। इसी बीच आतंकवादियों ने मस्जिद के पास छिपकर हमला किया। इस हमले में G179 बटालियन का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 अन्य जवान घायल हुए हैं। हमले में 65 साल के एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हुई है। जिस टाइम में सीआरपीएफ के जवान गाड़ी से डिबोर्ड कर रहा था, उसी टाइम मस्जिद के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग आना शुरू हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। वहाँ से कार में 65 ईयर ओल्ड एक बशीर साहब जा रहे थे, उसके गाड़ी में एक छोटा बच्चा था, वो पैनिकली गाड़ी से निकल के बच्चा को लेकर भागना चाहा, उनको भी गोली लग गया, उसमें उनकी जान गई है। सीआरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाल लिया, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, लेकिन आतंकी हमले के बाद बच निकले। दरअसल पिछले दिनों कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट के चलते आतंकी बुरी तरह बौखलाए हुए। जून महीने में ही सुरक्षा बलों ने 48 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। वहीं इस साल अब तक 128 आतंकी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मारे गए आतंकवादियों में 70 हिजबुल मुजाहिदीन के, 20 लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हैं। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंक का सफाया करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। बाकायदा 12 टॉप आतंकवादियों की हिट लिस्ट तैयार हो चुकी है। सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी शामिल हैं। ये हैं लंबू उर्फ अदनान भाई, वालिद भाई नाम का आतंकी आईडी एक्सपर्ट है। लिस्ट में शामिल गाजी रशीद को पाकिस्तान ने हाल ही में कश्मीर भेजा है, इन आतंकवादियों में शामिल है। इसके अलावा लश्कर ए तैयबा के आतंकी उस्मान भाई का नाम भी हिट लिस्ट में शामिल है, ये भी पाकिस्तान से आया है। लश्कर ए तैयबा का आतंकी इश्फाक दर शोपियां का रहने वाला है। लिस्ट में यूसुफ कंदरू और नासिर का भी नाम शामिल है।
हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी डॉक्टर सैफुल्लाह चीफ भी हिट लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा इस संगठन के फारूक अली, अशरफ मौलवी और जुबैर नाम के आतंकी भी सुरक्षा बलों की लिस्ट में शामिल हैं। आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ने आतंकी संगठनों की नींद उड़ा दी। यही वजह है कि पिछले 3 महीनों में सुरक्षा बलों पर 3 बार आतंकी हमला हो चुका है, लेकिन इससे सुरक्षा बलों के हौसले पर कोई असर नहीं पड़ा है। घाटी में आतंक और आतंकवादियों का सफाया जारी है। अशरफ वानी, सोपोर, आज तक। तो ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए हुए हैं आतंकी। इस बीच आपको बता दें, खबर लद्दाख से आ रही है, जहां शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे, साथ में होंगे थल सेना प्रमुख MM नरवणे। लद्दाख में राजनाथ सिंह सैनिकों से, कमांडर से मिलेंगे, जो उस खूनी झड़प पे घायल हुए थे, बताया जा रहा है उन सबसे भी मिल सकते हैं। लेके अस्पताल जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और थल सेना प्रमुख MM नरवणे भी उनके साथ जाएंगे। भारत की सीमा पर पाकिस्तान है एक तरफ, तो दूसरी तरफ चीन। अब पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। भारत के जवाबी एक्शन से बौखलाया चीन अब पाकिस्तान से मिलकर कश्मीर में आतंकी साजिश रच रहा है। ऐसी खबर मिली है कि चीन की सेना ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन अल बदर से संपर्क साधा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, एक नागनाथ तो दूसरा सांपनाथ। भारत ने इन दोनों के फन पर पैर रखा तो दोनों बिलबिला उठे, और नतीजे में सामने आई नागनाथ और सांपनाथ की साझा साजिश। पाकिस्तान तो तब से किलस रहा है जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को काटकर अलग अलग राज्य बना दिए गए, तो चीन के एक नहीं हजारों दर्द हैं। पहले तो LAC पर उसे मुंह की खानी पड़ी, और दूसरा भारत ने चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर पाबंदी लगाकर उसकी कमर तोड़ दी। इससे पहले भारत ने चीन से तमाम करार तोड़ दिए। इससे बौखलाया चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर नई साजिशें रच रहा है। सूत्रों से खबर है कि लद्दाख में भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान की सेना भी नया मोर्चा खोल रही है। पाकिस्तान ने LOC पर गिलगित बाल्टिस्तान में सेना की 2 टुकड़ियों को शिफ्ट किया है। पूर्वी लद्दाख में चीन ने भारत को उलझाया है, तो उत्तरी लद्दाख की तरफ से पाकिस्तान ने 20,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। पाकिस्तान चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी हर मुमकिन कोशिश ये होती है, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो या फिर किसी तरह का अटैक हो, उसमें हमेशा समर्थन दिया है चीन ने। और अब जबकि भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान इसका मौका नहीं छोड़ना चाह रहा है, और इसी वजह से चीन के साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपना बिल्डअप नॉर्दर्न लद्दाख की तरफ किया है। लेकिन भारतीय सेना की तैयारी पूरी है और इस वक्त सभी चौकन्ने हैं। भारत के ताजा कदमों से चीन की अर्थव्यवस्था हिल गई है। LAC पर तनाव के बीच भारत ने चीन के बराबर सैनिक सीमा पर तैनात कर दिए हैं। ऐसे में चीन अब भारत के खिलाफ आतंक का सहारा लेने की योजना बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना अल बदर के आतंकियों से बातचीत कर रही है। चीन पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाना चाहता है। चीन की सेना लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी BAT हमले की फिराक में है। इसके लिए आतंकियों को भी तैयार किया जा रहा है। चीन ने लगातार भारत को बार बार धोखा दिया है, और उसी बीच में खबर ये भी आ रही है कि एक तरफ जहां पे वो डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं LAC पे, दूसरी तरफ उनकी एक और साजिश चल रही है, वो भी पाकिस्तान के आतंकी गुटों के साथ। एक तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से डी एस्केलेशन की जाए, यानी वो पैर पसार रहे हैं LAC में गलवान के साथ साथ बाकी इलाकों में, और दूसरी तरफ वो एक साजिश रच रहे हैं पाकिस्तान के साथ। क्या रामदेव ने कोरोना की दवाई पर जंग जीत ली? पिछले एक सप्ताह से कुछ लोगों ने एक तरह से बवंडर मचा रखा, पलटी मारी, पतंजलि ने यू टर्न लिया। क्या बाबा का दावा सही है या फिर उसमें कोई खोट है? स्वामी रामदेव जेल जाएंगे और
एक आर्टिफिशियल जेल बना करके उसके पीछे स्वामी रामदेव को बैठा दिया। क्या है बाबा रामदेव की दवा के क्लिनिकल ट्रायल की सच्चाई? खेत का काम करना एक गुनाह और सैकड़ों जगह FIR दर्ज हो गई। क्या आयुष मंत्रालय ने रामदेव की दवाई को हरी झंडी दे दी? कि वो उसको मैनेजमेंट बोल रहे हैं, कोई इसको ट्रीटमेंट बोलेगा, कोई इसको दवाई बोलेगा। अब मोदी जी ने भी बोला है, दो गज की दूरी ये कोरोना की दवाई है। जब दो गज की दूरी कोरोना की दवाई हो सकती है तो कोरोनिल में तो बहुत ताकत है। बाबा ने क्यों लगाए ड्रग माफियाओं पर सनसनीखेज आरोप? क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, चूल्हे हिल गई। उन ड्रग माफियाओं की, उन MNCs के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात बाबा रामदेव की। पिछले हफ्ते बाबा रामदेव की कोरोना की दवाई पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। दवाई पर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी, लेकिन बाबा फिर कह रहे हैं उनकी दवाई बाजार में आ रही है। कोरोना के इलाज का दावा करने वाले बाबा रामदेव अब कोरोना मैनेजमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो क्या है इस मैनेजमेंट के पीछे का पूरा सच, देखिए। जिस महामारी से दुनिया के 200 मुल्क जूझ रहे हैं, कोई पुख्ता इलाज नहीं मिल रहा है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई लॉन्च करके हलचल मचा दी। लेकिन जितनी स्पीड से बाबा रामदेव कोरोना की दवाई लेकर आए, उतनी ही स्पीड से दवाई पर पाबंदी भी लग गई। 23 जून को बाबा रामदेव ने दवाई लॉन्च की और अब 8 दिन बाद बाबा फिर से कोरोना की उसी दवाई यानी कोरोनिल को लेकर हाजिर हुए। इस दफा बाबा ने दवाई के फायदे तो बाद में गिनाए, पहले अपने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मानो योग आयुर्वेद का काम करना एक गुनाह हो और सैकड़ों जगह FIR दर्ज हो गई। माने एक जैसे किसी देशद्रोही और आतंकवादी के खिलाफ FIR दर्ज होती है और कुछ सिरफिरे लोगों ने हेडलाइन चलानी शुरू कर दी, स्वामी रामदेव जेल जाएंगे और एक आर्टिफिशियल जेल बना करके और उसके पीछे स्वामी रामदेव को बैठा दिया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, चूल्हे हिल गई। उन ड्रग माफियाओं की, उन MNCs के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गई। और ये हो क्या गया? ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है कि तुम ही रिसर्च करोगे? एक सन्यासी एक साइंटिस्ट की भूमिका भी नहीं हो सकता। एक आचार्य वो जो है उस साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च में काम नहीं कर सकता, ये कौन सी अस्पृश्यता है? कोरोना का पहला आयुर्वेदिक बाबा रामदेव ने कोरोनिल को लॉन्च करते हुए कहा था कि ये पूरी तरह से क्लिनिकली रिसर्च बेस्ड दवा है। लेकिन अब रामदेव ये भी कह रहे हैं कि अभी तो कई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल और भी करेंगे। कि ये एविडेंस बेस्ड क्लिनिकली ट्रायल रिसर्च बेस्ड और वो भी ब्लाइंड रिसर्च बेस्ड दवा है, इसमें कोई दवा नहीं है, ये एकदम ब्लाइंड ट्रायल है। माने किसी भी प्रकार से इसमें कोई भेदभाव पक्षपात नहीं, और थर्ड पार्टी से ट्रायल हुआ है नीम्स के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ के डॉक्टर तोमर बलबीर तोमर जी के जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं उनके वहाँ एथिक्स कमेटी बनी, फिर इसका पूरा गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया गया इस रिसर्च का, उसके बाद इसको तैयार किया गया है। मॉडरेट माइल्ड पेशेंटों के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया था, तो प्रारंभिक ट्रायल उन्हीं पर होता है। अब इसके बाद हम जो उसमें जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनके ऊपर भी आगे जाएंगे।
कब हमने कहा कि हम मना कर रहे हैं? अभी तो हमने एक जगह जो है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, ऐसे 5-10 जगह भी हम क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करेंगे। एडवांस स्टेज के रोगियों पर भी ये स्टडी चलेगी। और ये आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि आप अपने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल को कंटिन्यू आप कीजिए, हम करेंगे उसको। बाबा रामदेव ने 23 जून को दावा किया था कि उनकी दवाई से कोरोना के 100% मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन अब आयुष मंत्रालय ने कहा है कि ये कोविड मैनेजमेंट दवा है और बाबा कहते हैं कि ये शब्दों का भ्रमजाल है। वर्षों से हम ये काम कर रहे थे, लेकिन अब जब कोरोना की बारी आई, तब जैसे कोरोना का पदार्पण भारत में हुआ, हमने उसी समय गिलोय से टीनोकार्टिसाइड और अश्वगंधा से विथिनोन और उसके बाद जो बहुत पहले से हम स्वासारी का प्रयोग कर रहे थे, उन सबको मिला करके हमने अब एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल रिसर्च बेस्ड पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोना के ट्रीटमेंट में, जिसका कि 69% लोगों का विद इन 3 डेज रिकवरी रेट और विद इन 7 डेज 100% पेशेंटों की रिकवरी होना, 0% डेथ रेट का होना और जो भी उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका एक साथ खत्म होना, चाहे वो IL-6 है, चाहे वो CRP रेट है, जितने भी उसके कॉम्प्लिकेशंस है लंग के ऊपर, हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर और नर्वस सिस्टम कमजोर है, लो इम्यूनिटी है, सबके ऊपर एक साथ असर, तो श्वासारी और कोरोनिल और ये अनुतेल जो हमारी इस कोरोना किट में है, ये हमने लॉन्च कर दिया है सबके लिए। तो ये कहते हुए हमें फक्र है कि जिसको करने में लाखों करोड़ रुपए पूरी दुनिया में खर्च हो रहे हैं कोरोना की दवाई खर्च खोजने में, उसको हमने यहाँ पर खोजा है। कि वो उसको मैनेजमेंट बोल रहे हैं, कोई इसको ट्रीटमेंट बोलेगा, कोई इसको दवाई बोलेगा। अब मोदी जी ने भी बोला है, 2 गज की दूरी ये कोरोना की दवाई है। जब 2 गज की दूरी कोरोना की दवाई हो सकती है तो कोरोनिल में तो बहुत ताकत है, स्वासारी में तो बहुत ताकत है। अश्वगंधा के इन तमाम पचड़ों से आगे बढ़कर बाबा रामदेव फिर से छोक बजा कर ये कह रहे हैं कि पतंजलि की कोरोनिल बाजार में आ रही है। अब किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है स्वासारी के ऊपर, कोरोनिल के ऊपर, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, इनके जो है जो घनवटी हैं उनके ऊपर, और ये सारे देश में ये औषधियाँ अब मिलेंगी। साथ ही बाबा रामदेव ये भी कह रहे हैं कि जिन जड़ी बूटियों को मिलाकर उन्होंने कोरोनिल को तैयार किया है और एक पूरी किट बनाई है, वो बेहद कारगर है। आज तक ब्यूरो। कोरोनिल पर हुए बड़े विवाद पर तमाम सवालों के जवाब आज हमने बाबा रामदेव से पूछे, तो आइए कैसे रामदेव ने सवालों का सामना किया सुनिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज आपने जो बड़ी बातें कही उसमें ये बताया कि आयुष मंत्रालय के साथ अब आपके मतभेद खत्म हो गए हैं, तो ये क्या मतभेद थे, क्या मतभेद खत्म हुए हैं? जो शक आशंका उन्होंने जाहिर किया था कि ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स ठीक से किए गए थे या नहीं, क्या उन सब पर आपने रिपोर्ट दी है? जानकारी में क्या उनको बताया है, किस तरह के पेशेंट्स पर आपने इस दवा का ट्रायल किया था? और इसी के साथ दूसरा सवाल कि क्या अब आपकी दवा रिसर्च स्टेज में है या फिर आप इसको लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में आ गए हैं, सामने यानी दुकान पर मिलेगी अब आपकी दवा? अंजना जी, पहली बात तो यह है कि आज से स्वासारी और कोरोनिल पूरे देश में उपलब्ध होगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। जहाँ तक रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स का प्रश्न है और किन पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च किया गया और इसके क्या परिणाम आए, ये सारे हमने आयुष मंत्रालय को सौंप दिए। और आयुष मंत्रालय ने, दरअसल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि शब्दों का माया जाल है, भ्रम जाल है। वो कहते हैं कि कोरोना पेशेंट्स वो रिकवर हुए, आप ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि आप कोरोना मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट ठीक हुए ये भी बोल सकते हैं। जो क्योर शब्द है ये एक बड़ा अलग तरह से इसकी कोई महिमा मंडित किया हुआ है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, और मॉडर्न मेडिकल साइंस में हर बीमारी के लिए वो कोई भी ड्रग भी बनाते हैं तो कहते हैं BP के लिए, पेन के लिए, हार्ट के लिए और किसी भी शुगर के लिए, ये मैनेजमेंट जो है मेडिसिन है। अब उसी श्रेणी में आयुर्वेद को भी रखना चाहते हैं। हमने
जो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने पैरामीटर्स बनाए हैं, जो प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि रेंडमाइज प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल, उसको पूरा फॉलो किया और फॉलो करके 69% पेशेंट 3 दिन में और सभी के सभी 100% पेशेंट्स वो 7 दिन में नेगेटिव हो गया। अब उसको नेगेटिव हो गए, रिकवर हो गए, उनका मैनेजमेंट अच्छा रहा, उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, ये शब्द बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योर शब्द में दिक्कत थी तो अभी हमने इसके ऊपर जो है कुछ भी नहीं कहा है। आयुष मंत्रालय ने भी आपसे योगा करा ही दिया, उन्होंने कहा कि नाक ऐसी नहीं सीधी नहीं, पीछे से हाथ लाकर पकड़ो, और आप उसके लिए तैयार हो गए। तो अपनों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री अपने हैं, आयुष मंत्री अपने, आयुष मंत्रालय अपना, ये सरकार जो है एक अच्छे राष्ट्रवादी विचार की सरकार है, इसलिए हम तकरार नहीं कर रहे हैं। क्या अभी भी आप क्लैरिटी से स्टैंड पर हैं कि आप कह रहे हैं कि ये इलाज है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नहीं है? और दूसरा पक्ष इस सवाल का, क्या आपने अपने सभी ट्रायल्स जो किए हैं जिसमें आप दावा कर रहे हैं कि 3 दिन में 69% और फिर उसके बाद आने वाले 7 दिन में 10 दिन में 100% लोग ठीक हुए, ये सभी माइल्ड सिम्टम यानी हल्के लक्षण वाले ही कोरोना के मरीज थे? पहली बात, ये इलाज है, आज भी कह रहा हूँ, हमने जो पहले कहा 69% 3 दिन में, 7 दिन के अंदर 100% रिकवर हुए, नेगेटिव हुए, आज भी कह रहा हूँ। और सत्य मेरे कहने से न कहने से, किसी के ताकत से, किसी की सत्ता से, किसी की सरकार से सत्य प्रभावित नहीं होते, सत्य तथ्यों पर चलते। दूसरी बात जो आपने कही ये सच है, हमने ई सिम्टोमेटिक माइल्ड मॉडरेट पेशेंटों पर ये कार्य किया, लेकिन वही एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड मॉडरेट पेशेंट अगले दिन, ये मेरे सामने कैमरामैन खड़ा, इसी का फूफा शाम तक एसिम्प्टोमेटिक था, अगले दिन सीरियस होकर के दवा पहुंचने से पहले ही मर गया। तो भाई ऐसे लोगों को यदि हम बचा सके, जो एसिम्प्टोमेटिक है माइल्ड मॉडरेट है उनको सीरियस होने से बचा सके, तो इसमें हानि क्या है? आप पर FIR कराने की बात न किसी MNC ने कही, न किसी दवा माफिया ने कही, वो तो राजस्थान सरकार ने कही, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद बाइट दी और उन्होंने कहा कि ये क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, फ्रॉड है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। अभी देखो सबसे बात कर लूंगा, देखो मेरे ऊपर तो अभी तक 1000 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी है, इतने तो शायद FIR किसी आतंकवादी या देशद्रोही पर भी नहीं हुई होंगी इस पूरी दुनिया में। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वामी रामदेव ने मनुष्य नहीं, एक चींटी से लेकर के कीड़े मकोड़े से लेकर के हाथी घोड़े तक किसी भी जीव जंतु का मैंने क्या बिगाड़ा है? कोविड मैनेजमेंट की तो आप दवा ला रहे हैं, यहाँ सरकार के साथ कौन सा मैनेजमेंट किया कि अब दवा में आपकी पहुंच गई है दुकान पर? देखो कोई मैनेजमेंट नहीं है, मेरी माता जी, मेरी बहन जी, मैं एक सीधा साधा फकीर हूँ, बस थोड़ा बेबाक बोलता हूँ, उस अब लोगों को वही मेरी बेबाकी भी पसंद नहीं आती, सच कह देता हूँ, इसमें किसी भी तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं है। एक तरफ तो रामदेव की दवाई है लेकिन दूसरी तरफ भारत को कोरोना की वैक्सीन पर बेहद बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ, भारत बायोटेक ने कोरोना पर जीत की तरफ अपना कदम बढ़ाया है क्योंकि अब वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भारत में शुरू होने जा रहा है। कोरोना महामारी से दुनिया लड़ रही है और इस लड़ाई को जीतने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज में लगे हैं। ऐसे में उम्मीद की एक किरण भारत में भी दिखाई दे रही है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV के साथ मिलकर COVID-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन को सफलतापूर्वक तैयार किया है। कंपनी ने इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन रखा है। अब भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर जल्द ही ह्यूमन ट्रायल्स की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन सरकार ने
किसको टीकाकरण प्राथमिकता मिलेगी उसका खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। एक हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे पहले टीकाकरण में प्राथमिकता उन्हें मिलनी चाहिए जो सबसे पहले और ज्यादा खतरे में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज या हेल्थ केयर कर्मचारी। उन्होंने ये भी कहा है कि टीकाकरण के दौरान ये नहीं देखा जाए कि कौन किस राज्य का है और सभी को वैक्सीन की प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कंपनी के मुताबिक इसी महीने यानी जुलाई में इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। इस वैक्सीन का निर्माण हैदराबाद की जीनोम वैली में भारत बायोटेक की फैसिलिटी में तैयार किया गया है। We are proud to announce a Covaxin, a live inactivated vaccine that is being developed at Bharat Biotech in partnership with ICMR and National Institute of Virology Pune and a public-private partnership. And we are happy to say that this vaccine is a strain was isolated from NIV Pune and manufactured at Bharat Biotech and going to be conducted clinical trial in India. We are happy to say that DCGI gave a nod for the conducting phase 1 and 2 clinical trial soon. Is vaccine मुंबई का सबसे बड़ा और बेहद धूमधाम से मनाया जाने वाला उत्सव है गणेश चतुर्थी। लेकिन इस बार गणेशोत्सव पर कोरोना का साया पड़ रहा है। जी हां, कोरोना के चलते लालबाग के राजा का भव्य और दिव्य पंडाल इस बार नहीं सजाया जाएगा। बड़ी शान और गाजे बाजे के साथ निकलती थी लाल बाग के राजा की सवारी। मुंबई में गणपति उत्सव पर लाल बाग के राजा की भव्य और दिव्य मूर्ति देखने के लिए सैलाब उमड़ पड़ता था। लेकिन इस साल लाल बाग के राजा की सवारी नहीं निकलेगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए लाल बाग राजा गणेश मंडल ने इस साल गणेश चतुर्थी उत्सव रद्द करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि मुंबई में 1934 के बाद की पहली बार है जब लाल बाग के राजा का पंडाल नहीं बन रहा। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।